लोकसभा चुनाव की सियासी लड़ाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी परिणाम आया है उसके बारे में बीजेपी के नेताओं को अंदाजा तक नहीं था। यहां से बीजेपी को निराशाजनक हार मिली। खराब प्रदर्शन के बाद पहली बार भाजपा के महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव में मिली हार के साथ भविष्य की बेहतर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। काफी समय बाद किसी बैठक में सीएम आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल संतोष ने दो बैठकें की। पहली बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह की कोर कमेटी के साथ हुई। बीएल संतोष की नेताओं के साथ हुई बैठक में फीडबैक भी लिया। इस बात पर खास चर्चा की गई कि आखिर क्यों दलितों का वोट उनके हिस्से में नहीं आया। 24 के चुनाव में दलितों का वोट बीजेपी के पाले से छिटक गया। दलित मंत्रियों और भाजपा विधायकों के साथ हुई बैठक में ये बात सामने निकल कर आई कि दलित और ओबीसी वोट न मिलने का असर प्रदेश की हर सीट पर देखने को मिला। इसके अलावा बंद कमरे में हुई मीटिंग में बीएल संतोष ने प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। साथ में सीएम योगी भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को उपचुनाव की जंग को जीतने के लिए उठाए जा रहे कदमों और रणनीति के बारे में भी बताया गया। खैर, बीजेपी इस मंथन मीटिंग और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की चुनावी रणनीति आखिर उपचुनाव में 10 सीटों पर होने वाले मुकाबले में बीजेपी विपक्षी खेमे को पटकथी देने में कामयाब हो पाती है या फिर पिछड़ जाती है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।